आज हम बनाएंगे चिली गार्लिक पोटैटो बाइट। तो उसके लिए मैंने आलूओं को इस तरह से कट करके और फिर उन्हें बॉईल करके लिया है। अब मैंने उसको एक छन्नी पे डाल लिया और इस तरह से स्पून की हेल्प से हम इसे मैश कर लेंगे। देखिए छन्नी के नीचे से इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक आलू आ रहा है, तो हमें इसी तरह का चाहिए। ये देखिए मैंने सारे आलूओं को मैश करके ले लिया है। अब जितना हमारे आलू है उतना ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। तो ये एक कटोरी मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 2 चम्मच पानी डाल लिया है। अब हम इसको भूनते हुए डो तैयार कर लेंगे इसका। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब लगाएंगे हम हाथ पे ऑयल और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो हमें बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स ही बनाना है इसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। अब ये ले ली है मैंने कांच की बॉटल, जिसकी जो टिप है हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और एक बॉल्स उठाएंगे और इस तरह से इसको दबाते हुए इसका शेप दे लेंगे। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है इसका। इसी तरह से हम सारे में डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखिए सारे तैयार कर लिए हैं मैंने। अब करेंगे हम इन्हें बॉईल। तो ये मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक एक करके सारे डाल देंगे। तो देखिए अभी ये नीचे हैं और जैसे ही ये कुक हो जाएंगे वैसे ही ये ऊपर आ जाएंगे। बस हमें इनका ऊपर आने का वेट करना है। तो देखिए ये सारे ऊपर आ गए हैं, ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे दूसरी तरफ ठंडे पानी में। तो हमें एकदम फ्रिज का ठंडा पानी लेना है। अब मैंने ले लिया है पैन, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल। अब हमारा ऑयल गरम हो रहा है। अब दूसरी तरफ ले लिया है हमने एक बाउल, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च और ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है और ये 1/2 चम्मच नमक है। तो नमक हमने डो में नहीं डाला था तो हम इसमें डालेंगे डो। और 1 चम्मच मैंने सोया सॉस ले लिया है। अब हमारा ऑयल गरम हो गया है तो 5-6 कलियां लहसुन की मैंने बारीक काट के ले ली, उनको डाल दिया इसमें। अब हमने जो मिक्सर बना के रखा था उसमें ये ऑयल को डाल देंगे, तड़का लगा देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप चाहें इसमें तो टमाटर केचप भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें इनको डाल देंगे जो हमने बाइट्स बना के रखे थे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए तैयार हो गए हैं हमारे चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स। ये देखिए कितनी जल्दी से झटपट से ये बनकर तैयार हुए हैं और हमने इसमें मैदे का यूज़ भी नहीं किया है।